ये लाइव लाइव नजारा है इस टाइम धर्मशाला का। इस टाइम मान जी इतनी उफान पे चली हुई है, बादल फटा ऊपर। सब गाइस आपका ब्लॉग्स की दुनिया में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो मतलब जो मेरा ये ब्लॉग है बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि बीच में कुछ इश्यूज आ गए थे, तो मतलब जिसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो आज देख सकते हैं आप बारिश बहुत ही भयानक लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत रहती है। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेते हैं। तो अभी तो मैं मतलब गीला हो चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मम्मी और मतलब कपड़े धो रहे हैं, मतलब ऐसी बारिश में यहाँ पर लेंटर के पानी से धो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब क्या क्या चला हुआ है। बारिश आज बहुत दिनों बाद आई है, मतलब बहुत मंथ बाद आई है। तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पर मम्मी और क्या काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रहे हैं, मतलब कंबल जो भी है धो रहे हैं। ऊपर देख सकते पापा लगे हुए हैं, मतलब जो रास्ते का पानी है वो सारा नीचे खेत को चला जाए ऐसा कर रहे हैं। तो देखते हैं लेंटर का पानी चला हुआ है। तो पापा ने ट्रैक बनाया, देख सकते हैं आप यहाँ पानी जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से जा रहा है पानी यहाँ को। तो सभी यहाँ मतलब लगे हुए काम में, यहाँ पर चाचू भी था अभी खेत में, तो नीचे देखते चाचू भी यहाँ पर छाता लेके पेड़ों को पानी लगा रहे हैं क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत रहती है जैसे कि आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर चाचू ने बनाया हुआ है, तो पाइप यहाँ से डाली हुई है रास्ते में नीचे से, तो नीचे पेड़ों को पानी दे रहे हैं, देख सकते नीचे। तो दोस्तों मुझे यहाँ नीचे खेत में भेजा गया था पाइप लाने, तो मैंने मुझे ये दो पाइप लाने को कहा है क्योंकि पापा ऊपर मतलब पानी नीचे पेड़ की तरफ मतलब ला रहे हैं, तो मतलब पाइप लगेगी ऊपर। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, बारिश बहुत ही तेज लगी हुई, बिल्कुल गीला हो चुका हूँ देख सकते हैं के ऊपर। तो चलते हैं अभी लेंटर की तरफ, बाकी हमने परे पाइप लगा लिए मतलब खेत की तरफ, मैं आपको भी दिखा दूंगा परे जाके। तो मम्मी ने भी लगभग कपड़े धोए दिए हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर लेंटर के ऊपर, तो बाकी दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको। तो चलो चलते हैं। तो देखते हैं आप लेंटर के ऊपर कुछ इतना पानी भरा हुआ है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी है, मतलब पूरे लेंटर के ऊपर पानी है, देख सकते हैं। गिल तो मैं मतलब पूरा ही हो चुका हूँ टोटली। तो अब थोड़ी बारिश रुकी हुई है, मतलब इससे पहले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। तो दोस्तों आपने ऊपर लेंटर के ऊपर का सीन देखा ही, पानी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी मतलब कपड़े भी मतलब धो के फ्री हो चुके हैं, तो मतलब अभी मैं आप इनको सुखाने रख रहा हूँ, तो मैं इनको सुखा दूंगा मतलब सारे, तो उसके बाद फ्री हो जाएंगे। दोस्तों ये रही वो पाइप जो हमने मतलब लगाई है पेड़ों के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जाके कहाँ तक पहुँचाई गई है। देखते यहाँ से चली ये पाइप नीचे मतलब अनार के पेड़ में रखी हुई है क्योंकि इनको पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
रिश्तेदार नाल भी मतलब तैयार होने वाले हैं, कुछ मंथ बाद हो जाएंगे तैयार। तो दोस्तों मतलब कपड़े धो के फ्री हो चुके हैं हम, तो अब चलाऊ मैं नीचे की तरफ नहा लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ठंडा हो रहा है, मतलब अब तो बहुत ठंड लग रही है क्योंकि अब तो बारिश भी रुक चुकी है। नीचे आके नहा धो के बैठेंगे, रेस्ट करेंगे बढ़िया स्टाइल से। तो गिला तो मैं मतलब पूरा ही हो चुका हूँ, देख सकते हैं आप बिल्कुल हालत टाइट हो चुकी है और ठंड भी बहुत लग चुकी है। तो चलते हैं फिलहाल नीचे नहाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी बारिश रुक चुकी है फिलहाल, मतलब धुंध ही धुंध पड़ गई है हर जगह, देख सकते हैं आप बारिश तो रुकी हुई है। अभी मौसम भी मतलब साफ तो नहीं हो रहा है, मतलब धुंध पड़ गई है। अभी बारिश शायद बाद जैसे में फिर से आ सकती है। तो मौसम अभी बिल्कुल खराब है, हर जगह धुंध ही धुंध है। दोस्तों मैंने आज एक न्यूज़ सुनी कि धर्मशाला में बादल फटा जिससे मतलब तबाही मचा दी, तहस नहस हो गया सब कुछ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुनी और वीडियोस भी देखी मैंने। तो मैं अभी आपको इस ब्लॉग में दिखा दूंगा कि कैसी तबाही, मतलब तबाही मच गई, मतलब हर कुछ ही तबाही मच गई। तो बस यहाँ पर बारिश भी बहुत दिनों बाद आई, इसी ब्लॉग में मैंने आपको ये दिखाया कि मतलब बारिश यहाँ पर बहुत दिनों बाद आई और पानी की बहुत दिक्कत रहती है। देखा ही होगा आपने, आज हमने कपड़े भी मतलब यहाँ पर लैंटर के पानी से ही धोए और जो रास्ते का पानी था वो पेड़ों को लगा दिया। तो बस सब इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई ये लाइव नजारा है इस टाइम धर्मशाला का। इस टाइम मान जी इतनी उफान पे चली हुई है, बादल फटा ऊपर। बादल फटा ये खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।